मैं अगर कोई इलीगल चीज़ यहाँ पर करूँ तब आप मेरे को कमेंट्स करो, क्वेश्चन करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरे को लोगों ने गलत मेरे उस पर ब्लेम किया था, गलत मेरे को पॉइंट आउट किया था, मैंने स्टिल सामने से आके बोला था ठीक है मेरे से गलती होगी तो ओके, इसलिए मैंने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया है। है कोई बताओ, कोई डाला हो आज तक, कोई दिखाया हो, कोई अपना है सब कुछ नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो कोई दिखाता है बॉस, वो एक दिन का ना, लेकिन आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड किसी का चेक नहीं कर पाओगे, उसे मेरा ही चेक कर पाओगे। लेकिन मैं अगर मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे या तुमको क्या बोलते हैं गारंटी रिटर्न बनेंगे ये बनेंगे, अगर मैं ऐसा तुमसे कह रहा हूँ तो फिर वो गलत है। जितना जल्दी शॉर्टकट्स के पीछे जाओगे और ये सोच के काम करोगे ना कि मार्केट मुझे सिखा देगा, मार्केट तुम्हें ऐसा सिखाएगा, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल सभी का, आई होप बढ़िया होंगे। और आज है अपना फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे मार्केट ऑफ, आज भी एक तरीके का ऑफ ही मान लो, लेकिन मार्केट खुला है तो आज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम को और अभी मैं रेडी हो रहा हूँ। और हाँ, ये फ्लैग है यार को मैं फ्लैग निकाल देता हूँ, आज 16 अगस्त है और फ्लैग ऐसे फिर ठीक नहीं लगता, बारिश वारिश आएगी भीगेगा वीगेगा, तो पहले मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पर। सो अपन ने यहाँ पर फ्लैग निकाल के रख दिया अंदर फोल्ड करके बढ़िया से, और अभी उसको फिर किसी भी अगर बढ़िया जगह पर हम जाएंगे जहाँ पर हमको उस फ्लैग को फहराना है तो वहाँ पर हम उसको फहराएंगे, ठीक है। जैसे कोई ट्रेवल पर कोई बढ़िया पीक पर चले गए, कहीं पर चले गए तो वहाँ पर करना है नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जिम। ऑलराइट गाइस, अपना यहाँ पर चलते हैं अभी ऊपर जिम की तरफ, लिफ्ट से हम जाएंगे जिम में, फिर करेंगे हम जिम। गाड़ी पार्किंग में बहुत दिक्कत है, तो गाड़ी फंसाने में बहुत दिक्कत होती है, आज भी नहीं जाना है। हमारे लक्ष्य ना रहे यहाँ हल्द्वानी में, तो वहाँ इन्वाइट है अपने को, हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जिम से आके अपने यहाँ पर ट्रेड भी अपना यहाँ पर बनाए हैं मैंने पहले कॉल साइड के ट्रेड्स बनाए थे, लेकिन उसमें मैं कॉस्ट कॉस्ट निकला, ठीक है, इसमें और इसमें मैं कॉस्ट कॉस्ट के आसपास ही निकला, दोनों में मैंने बनाए थे। बट मार्केट में कोई ऊपर जाता हुआ ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि मेरी एंट्री में इधर कहीं पर बना था, बट प्रीमियम नहीं गए ऊपर, एंट्री के बाद भी गया, बट मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं है इसको कॉल साइड। लेकिन पुट साइड मैंने यहाँ जैसे पुल वे यहाँ पर मिला, एक स्कैल्प मारा और इसी में मेरे को एंट्री मिली थी। बाकी कुछ ऑर्डर मेरे अभी पेंडिंग है, मेरे को चाहिए कि एक पुल बैक खींचे ऊपर को तो मेरे को ऑर्डर्स मिल जाएं। वैसे सपोर्ट के आसपास हॉल्ट कर रहा है, मतलब डे लो के आसपास आज का, लेकिन प्रीमियम तो बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। सो अगर जैसे ही इसका डे लो ब्रेक होता है, यानी डे लो ब्रेक होती ये भट फटेगा, फट रहा है, मुझे चाहिए कि डे लो ब्रेक करे और मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊँ। फिलहाल मेरा 60,000 का प्रॉफिट, इसमें मैंने 10% के आसपास बुक किया, आप देखोगे 4:44 के आसपास सेम स्टैक, ऐसे 10% के आसपास डेलो ब्रेक हो चुका है गाइस। चलो बढ़ते हैं। सो गाइस अभी अपना सेंसेक्स चल रहा है एक्सपायरी, और ये देखोगे आप एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पर एक मोमेंटम स्कैल, ये स्कैंडल पैंट थी और स्कैंडल पर अपन ने एग्जिट मारा, और प्रीमियम काफ़ी अच्छा और ऊपर चल रहा है यहाँ पे। सो अपना एक ब्रेकआउट स्कैल यहाँ पर बन गया, और इस ब्रेकआउट स्कैल पर 1,53,000 अपना यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इतने में ही डन करते हैं, इतने में ही करते हैं। सेंसेक्स बहुत है भाई, सेंसेक्स जैसा अगर इंडेक्स आपको दे रहा है ना बढ़िया, तो बहुत होता है भाई सेंसेक्स में। मुझे अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है जितने फ्राइडे सेंसेक्स ट्रेड किया है लॉस नहीं हुआ, और आई थिंक 6th या 7th एक्सपायरी में सेंसेक्स की ट्रेड कर रहा हूँ, नो लॉस, ठीक है। और इसमें भी मेरे को अच्छा ही बना किसने दिया है, इसे प्रीमियम स्कैल्पिंग के लिए बहुत सही है, बट ये है कि हाँ आपको बहुत क्विक यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत क्विक। सो गाइस अभी मैं थोड़ा मार्केट को निकल रहा हूँ, मेरे को क्या बोलते हैं कुछ खरीदना वरीदना है सामान वगैरह, आजकल बहुत ज़्यादा खरीदारी मेरी चल रही है, पता नहीं कहाँ चल रही है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चल ही रही है कुछ ना कुछ, है ना। और वैसे भी रक्षाबंधन वगैरह भी आना है, तो भैया खर्चा तो होगा ही होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को और देखता हूँ, मेरे को ज़्यादा कहीं जाना भी है, फनिश वगैरह में भी जाना है और कई सारी जगह, मतलब एक जगह कपड़े भी लेने, मेरे सफ़ेद शर्ट मेरी ख़राब हो गई ना, दोनों गंदी हो गई है, मेरे को नई और सफ़ेद शर्ट चाहिए, वाइट शर्ट मैं ज़्यादा पहनता हूँ आजकल। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं मार्केट को, आज दिन भर का मार्केट काफ़ी मतलब सेंसेक्स का एक्सपायरी था, काफ़ी ट्रेंडिंग था, काफ़ी बढ़िया मार्केट था, और काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हो सही अपने को उसमें मूवमेंट देखने को मिला, सभी लोगों ने आए थे, मुझे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा सेंसेक्स के अंदर, क्योंकि कल मार्केट ऑफ था
तो आज मंडे को भी ऑफ है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज बीएससी सेंसेक्स में जनरेट हुआ होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मुझे आज लिक्विडिटी इशू भी नहीं देखने को मिला, मेरे को भी बहुत अच्छे अच्छे स्केल मिल गए थे सेंसेक्स में, तो अभी अपना 1.5 लाख के आसपास बन गया। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट को, और यहाँ ऊपर पहाड़ों की साइड में आप देख रहे होंगे बढ़िया बारिश वाला नज़ारा चल रहा है, बारिश वारिश हो रही है, यानी मौसम एकदम गार्डन गार्डन हो रहा है वहाँ पर। न्यू कैमरामैन बता कुछ नहीं, बस शॉपिंग के लिए। हाँ, वो कुछ कह रही है हमारी सबको पता है, तनिष्क की एक मैम है। क्या सामान रक्षाबंधन के लिए? फिलहाल तो तीन बैग है, देखते हैं तीन बैग मिस्ट्री बैग है, क्या निकलेगा, किसका क्या निकलेगा ये पता चलेगा रक्षाबंधन के दिन। तो कल सैटरडे है ना, कल मार्केट बंद रहता है, वैसे तो बंद रहता है ना। हाँ, वैसे मार्केट बंद रहता है, तो मैंने आज सामान ले लिया क्योंकि मैं कल कहीं गायब हो सकता हूँ, परसों भी हो सकता हूँ, तो मैंने शॉपिंग कर लिया, अब मैं निकलता हूँ घर से। दोस्तों अभी अपना मैं थोड़ा सामान वामान खरीद लिया है, और मैं अभी ऐसे ही थोड़ा शाम को बाहर निकल जाता हूँ ऐसे ड्राइव ड्राइव पर। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं हर महीने तनिष्क में ऐसा कुछ वहाँ कुछ प्लान चलता है, हर महीने डिपॉजिट करते रहता हूँ, फिर मेरे कुछ ख़रीदना होता है तो मैं उस डिपॉजिट अमाउंट से ख़रीद लेता हूँ सामान। ठीक है, तो अभी मैंने जो ख़रीदा हुआ है इसमें, इस सामान में मुश्किल से मेरे 10,000 रुपये मेरे पास देने पड़े होंगे, अदरवाइज़ मैंने जो पिछले महीनों का डिपॉजिट किया हुआ है उससे उठा लिया है नहीं। तो और मुझे वो इतना पता भी नहीं चला कि यार मैंने क्या बोलते हैं इतना एक आइटम ख़रीदा हुआ गोल्ड का, और इतना मेरे पास देने पड़े, कुछ पता नहीं चला है ना। मतलब एक तरीके से मेरे जो खर्चे होते हैं उसमें से मैं कुछ छोटा मोटा एक अमाउंट वहाँ पर डालते रहता हूँ, डिपॉजिट करते रहता हूँ कि कभी मेरे को गोल्ड खरीदना पड़ गया तो मैं खरीद सकता हूँ, है नहीं। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी घर को, फिर घर जाके देखते हैं अपना BTC का ट्रेड। BTC में अभी मैंने ट्रेड देखा तो कुछ खास ऐसा अपने को मिला नहीं यहाँ पे, वॉल्यूम देखे तो यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, BTC के अंदर बाकी पूरा का पूरा एक चैनल में है, चैनल के बाद इसने दे रखा है। अभी शाम को अगर इसका लो अगर ये ब्रेक करता है तो मेरे को नीचे तक का टारगेट वगैरह मिल सकता है, ये लो ब्रेक करके अपने को सीधा स्ट्रेट ये पिन पॉइंट नीचे यहाँ तक एक मूवमेंट मिल सकती है। और ये मूवमेंट आप अगर देखोगे तो ये जो मूवमेंट दिख रही है ये है ऑलमोस्ट ना 1.5% 2.5% के आसपास की मूवमेंट। आप इसमें से कितना कवर कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं, आप वो देख डिपेंड करता है, ऊपर निकलता है वॉल्यूम आता है यहाँ पर। जब ये बड़ी कैंडल आई थी वॉल्यूम अच्छा आया था, बट नहीं निकला, ब्रेकआउट देखे ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, लो टेस्ट करने आ गया। तो देखना पड़ेगा अगर अगेन कोई बुलिश कैंडल आती है और यहाँ पर बनता है कोई वॉल्यूम अच्छा आता है तो अपन यहाँ पर अपसाइड के लिए जा सकते हैं, और अपन ना अपसाइड मेरे को मूवमेंट मिल जाएगी यहाँ तक की। देखना पड़ेगा क्या रहता है कैसे रहता है। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी फ़िलहाल तो अभी देखते हैं अगर कुछ बनेगा तो। तो अभी जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, और जैसे कि कौन सा वीडियो था मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पर, मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाए। ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने 5 key points बताए थे, उसमें मैंने भी जो अपना इंडिपेंडेंस डे ये वाला कुछ वीडियो डाला था मैंने इसमें। ठीक है, 5 golden rules, तो इसमें मेरा इंडिपेंडेंस डे मैंने अभी लाइव में एक वो बैच करवाने वाला हूँ, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लाइव बैच आएगा जिसमें 20 live sessions रहने वाले हैं, और आपका हर दिन 2-2 घंटे एक लाइव सेशन चलेगा, तो मेरा पूरा मंथ उसमें इंगेज रहने वाला है। और दिन भर मैं अपना ट्रेड वेड करूँगा, सब कुछ करूँगा, शाम को लाइव क्लास भी मैंने वहाँ पे लेनी है, तो उसके लिए मैंने उसमें ऑलमोस्ट उसका 9,000 ऐसा कुछ प्राइस है उसमें, इंक्लूडेड GST है, तो उसको मैंने फ्लैट 40% डिस्काउंट दिया था अभी आपका इंडिपेंडेंस डे की, उसमें अभी भी चल रहा है, 18 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 6,000 में पड़ जाएगा, इंक्लूडेड GST, एक्सक्लूडेड नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग उसमें यही पॉइंट आउट करते, वही एक ही सभी लेके थे, यार इतना कमा रहे तो कोर्स क्यों सेल कर रहा है, कोर्स क्यों बेच रहा है। तो भैया तुम एक बार ये सब चीज़ें तुम वो उन इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं बोलते यार, जिनके पास जो जहाँ पर सब लोग पढ़ पढ़ के इसलिए काम करते हैं जहाँ पर सिर्फ 1% विन रेट है। यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 10% है ऑप्शंस के अंदर, 30% है स्टॉक्स के अंदर, इतना ज़्यादा यहाँ पर विन रेट है, और यहाँ पर आपका सीधा फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वहाँ पर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में ISPCS की तैयारी करते हो क्या, आप खुद ISPCS है, पहली चीज़ तो है भी नहीं, अपन खुद ट्रेडर तो हैं पहली बात। दूसरा कि आप वहाँ पर फीस पे करते हो तभी वो सिखाता है, फ्री में आपको वहाँ पर सिखाते नहीं, फ्री नॉलेज की कोई वैल्यू है भी नहीं।
यानी और वो उनका इतना बड़ा बिजनेस बनता है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से। उन पर कोई डाउट नहीं करता, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मेरा प्रॉफिट्स दिखते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे मैं आज की बात करूँ, यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा, यहाँ पर गया मेरा कहाँ पोजिशन, ये 153,000 इतना कमा रखा है, तो क्यों करता है भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा, दैट सिंपल है ना। मेरे को इसमें आपके कमेंट्स में रिस्पॉन्स चाहिए कि मैं क्यों नहीं करूँगा यहाँ पर, मतलब मेरे को क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको क्यों फालतू को अपना यहाँ पर टाइम दूँ, फिर मैं चुपचाप अपना करूँ साइड बाई साइड, मैं क्यों सोशल मीडिया पर बैठा हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ कुछ का कुछ ना कुछ मेरे को उससे बिजनेस मिलना चाहिए, तभी तो मैं करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़ी, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सीखनी है यूट्यूब वीडियो से उतना सीख सकता है, लेकिन जिसको इन डिटेल चीज़ें सीखनी है, जिसको मेरे को जो जो आता है मैं उसको सीखना चाहता है, तो मैं उसको सिखाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो उसको मेरे को स्पेसिफिक चीज़ें चार्ज करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर ऐसी फील्ड के अंदर आप इतनी चीप सोच सकने वाले लोग इस फील्ड के अंदर, जहाँ पर अगर वो मार्केट में आते ही पैसा ला रहे हैं, उसका काम ही पैसे से हो रहा है, बिना पैसे के मार्केट में उसको कुछ नहीं होना था, और वहाँ पर किसी को सीखने के लिए उसको पे करने में दिक्कत है, मतलब वो नहीं करे पे, हम नहीं कहते तुम्हें मार्केट खुद सिखा देगा, जितना सिखाना है। मेरे को मार्केट ने 40-45 लाख के लॉस में सिखाया था, वहाँ तक पहुँचा दिया था, तब मैं जाके चीज़ें सीखा। आप भी अपना सब डुबा दो, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन जो समझदार हो, जिसके पास दिमाग है, जो थोड़ा सा हाई मेंटेलिटी का आदमी होता है, जो एक क्या होता है ना रिच मेंटेलिटी का पर्सन होता है ना, वो एजुकेशन में ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करता है, रैदर देन क्विक मनी, वो रैदर देन ये फालतू की बकवास के बजाय एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। फालतू की बकवास कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि गाइज मैं अभी अगले महीने एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पर जैसे मैंने ट्रेड्स में लेता हूँ ना, ऐसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ, वहाँ पर तुरंत आपको दे दूँगा, शेयर कर दूँगा। मुझे इतना पता है, मैं बैठे बैठे 4-5 करोड़ रुपये एक महीने का सिर्फ एक टेलीग्राम से कमा दूँगा, सिर्फ एक टेलीग्राम से, क्योंकि मेरे डेली ट्रेड्स चलते हैं, मेरे डेली लोग देखते हैं, और मेरी पूरी हिस्ट्री लोगों को दिखती है कि ये कितना बनाता है, कितना लॉस करता है, क्या करता है, हर एक चीज़ सबके सामने है, और हर एक चीज़ सब देखते हैं, तो उन्हें पता है कि इसकी स्ट्रेटजी सेटअप्स प्रॉफिटेबल हैं, ये जो हमें देगा हम, क्योंकि हमारे इसमें पैसा बन जाएगा। लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं करता, यानी मैं स्टेप लेता हूँ एजुकेशन की साइड। मैंने अभी रिसेंट एक वर्कशॉप कराया था, मेरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट डाटा आप उठा के देख लेना, खुद बैक टेस्ट कर लो एक बार मेरे बिग बास स्ट्रेटजी को, आपको उसका बैक टेस्ट डाटा मिल जाएगा। स्टिल लोग वहाँ पर पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस है नी, 920 MA बैक टेस्ट डाटा उठा के देख लो, है ना, 70% की एक्यूरेसी है, बहुत अच्छा क्या चलता है, लेकिन नहीं बना पाएगा, रखी हुई फ्री में रखी, वही चीज़ मैं अभी उस स्ट्रेटजी को लॉन्च करूँगा उसी में वही चीज़ बताऊँगा। सो बेसिकली मेरे को पता है कि मैंने जो अपना इतना टाइम दिया है, इतना मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया, मेरे पास एक स्किल है, मेरी स्किल के बदौलत मैं अपना कर ले रहा हूँ, है ना। लेकिन मेरे को उस स्किल को अगर किसी को और को सिखाना है, समझाना है, बताना है, तो मैं सिंपल सी बात उसका चार्ज करूँगा, मैं फ्री में नहीं दे, फ्री में यूट्यूब पर बहुत पड़ा हुआ है, जिसको देखना फ्री में जाके देखो, फ्री में बहुत लोगों ने सीखा है, मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज ये सब लोग देख देख के सीखते हैं। लेकिन मेरे को बस एक चीप मेंटेलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती लोगों की, तो आप फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हो बॉस, फाइनेंशियल मार्केट में आप काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट जैसी फील्ड में काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर आपका लाखों का लॉस हो जाता है, आपको वो दिखता नहीं, वो फील नहीं होता। लेकिन कोई आपको जिसको तुम देख रहे हो, जिससे देख के इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, वो कह रहा है मैं आपको, अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर लाइव में बैठ के सिखाऊंगा। वहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा था कि ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, भाई तुमको नहीं आना है मत आओ, तुम इन्वायरमेंट तो स्पॉइल मत करो, तुम मिथ तो ये क्या होता है ना, जो एक है ना एक गलत मिथ है स्टॉक मार्केट की कि लॉसेस कोर्सेस से कवर अप करता है, ऐसा नहीं है भाई, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है ना। डाउट है अगर मेरा 5 लाख का ट्रेड चलता है इसमें, मैं आपको अगर सिर्फ धन का भी दिखाऊंगा ना, अभी मैंने सिर्फ 5 महीने इसमें ट्रेड किया है, ये मेरी कंसिस्टेंसी है, मेरे ग्रीन चलते हैं हमेशा, और एक दिन एक महीने में रेड हो जाएगा, अप्रैल से अगले अप्रैल तक मुझे बताया ना, एक महीना रेड हो गया, मैं बताने गया, मैं खुद दिखा दूंगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं होता है, बट नहीं होगा, मैं जहाँ तक पता है कि हाँ मेरे को पता है मेरे को स्कैल्पिंग कितनी अच्छी तरीके से आती है। सो उसे वही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं बैठा हूँ तो भाई मेरे पास वो, मैं अपना टाइम देना सब कुछ देता हूँ, मैं उसका फीस नॉर्मल से चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरा ये सब काम फ्री में तो हो नहीं रहा है, मेरे पास टीम है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है, इक्विपमेंट कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हर एक चीज़ होता है। सो ट्रेडिंग इज़ माई पर्सनल प्रोफेशन, इसको आपको अपना पर्सनल प्रोफेशन बनाना है, तो मेरे पास जो स्किल है बंदे सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाऊंगा। मैं अगर कोई इलीगल चीज़ यहाँ पर करूँ, तब आप मेरे को कमेंट्स करो, क्वेश्चन करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए मैं बियर करता हूँ। मेरे को लोगों ने गलत मेरे उस पर ब्लेम किया था, गलत मेरे को पॉइंट आउट किया था, मैंने स्टिल सामने से आके बोला था ठीक है मेरे से गलती होगी तो ओके, इसलिए मैंने उन सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। कोई बताओ, कोई डाला हो आज तक, कोई दिखाया हो, कोई अपना है, सब कुछ नहीं,
प्रॉफिट प्रॉफिट है तो कोई दिखाता है बॉस, वो एक दिन का ना, लेकिन आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड किसी का चेक नहीं कर पाओगे, उसे मेरा ही चेक कर पाओगे हर जगह। सो यही है कि थोड़ा सा चीप मेंटेलिटी से ऊपर निकलो, यानी कभी अंबानी से मत क्यों नहीं पूछते हो कि भैया तू तेल के तेरे बिजनेस चलते हैं तो ये सब इतने सारे धंधों में क्यों हाथ डाल रहा है, एक से नहीं एक से तो कमा ही रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग को सही रखोगे, सोचोगे तरीके से, सीख के जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा मार्केट में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जितना जल्दी शॉर्टकट्स के पीछे जाओगे और ये सोच के काम करोगे ना कि मार्केट मुझे सिखा देगा, मार्केट तुम्हें ऐसा सिखाएगा, ऐसा सिखाएगा भाई मुझे पता है ना, कि क्योंकि आपको तो आपको सिर्फ अभी आप सिंगल पर्सन हो, मैं मेरे पास मेल भरे रहते हैं डेली, 500-600-800 मेल आते हैं, 500-600-800 फोन बसते रहता है, डीएम्स पे डीएम्स आते हैं, लोग कहाँ कहाँ मेरे घर पहुँच जाते हैं मिलने के लिए। सीखा पूछता हूँ, सीखा नहीं सीखा सर, क्या किया सर, पहले स्टॉक्स में करता था फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में किया, आज मैं 20-25 लाख के कर्जे में हूँ, तो मैंने कहा था तुमसे कर्जे में हूँ, अब मुझे सिखा दो, अब मैं क्यों सिखाऊँ भाई, मैं कैसे सिखा सकता हूँ आप तुम्हें, तुमने जो करना था तुमने पहले अपने आप को हीरो समझा, तुमने कर लिया, तो हम अपनी सही तरीके से अभी गाइड करते हैं, बता रहे हैं और अपना साइड से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको भी करनी है ट्रेडिंग, एटलीस्ट वो सीख के करे, और उस चीज़ के लिए हम ये सब चीज़ लॉन्च करते हैं कि हम कि यार आप लोगों को अगर सीखना है तो आ सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है उससे मेरा बिजनेस बनेगा ही बनेगा, मेरा एक ये है ट्रेडिंग मेरा चल रहा है, मेरे अदर सोर्स ऑफ 5-6 अदर सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं नई एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करूँगा। सो जो मेंटेलिटी है इसको थोड़ा अपग्रेड करो, चाहे आप गाँव से हो, अगर आप गाँव छोटे गाँव से बिलोंग करते हो लेकिन आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग है आप बहुत अच्छा आगे निकलोगे, आप शहर से बिलोंग करते हो कहीं से बिलोंग करो आपकी मेंटेलिटी चीप है ना आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है। सो बिजनेस वही बनता है, वही एक बिजनेस मैन है जो कुछ बेचता है, जो कुछ सेल करता है, कंज्यूमर इज नॉट एन बिजनेस मैन, है ना, आप अगर कंज्यूम करोगे तो यहाँ पर, और एजुकेशन में कंज्यूमर की कोई ऐसा एजुकेशन में आप उसको एज ए उसको बिजनेस ट्रीट नहीं कर सकते कि आप बिजनेस है, वो मेरा चल रहा है मुझे पता है ना, हम उस पर प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं, हर एक चीज़ भर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, है ना, और वो लीगल है। सेबी की चेयरपर्सन खुद कहती है आप एजुकेट कीजिए, हम चाहते हैं कि एजुकेट कीजिए और मैं वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मेरे को ऑप्शन में स्कैल्पिंग आती है, मेरे को क्या बोलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को पता है कि मेरे को कैसे कैसे मैं स्कैल्प करता हूँ, अगर मैं वो चीज़ लोगों को सिखा सकता हूँ तो मैं सिखाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं अगर मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे या तुमको क्या बोलते हैं गारंटी रिटर्न बनेंगे ये बनेंगे, अगर मैं ऐसा तुमसे कह रहा हूँ तो फिर वो गलत है, है नहीं। या मैं यहाँ पर अगर आपको ये कह रहा हूँ कि इस टेलीग्राम पर ग्रुप पर आ जाओ, जैसे मैं कमा रहा हूँ वैसे तुम भी कमा लोगे, ऐसा तुम भी पैसा बना लोगे, है ना, मैं तुमको लुभा रहा हूँ, ये सब फालतू की स्कीमें बांट रहा हूँ मैं तुम्हें, लाइव बैठ के तुमसे कह रहा हूँ अल्ले भाई अकाउंट खोल मैं तुझे ट्रेड कराऊंगा, लाइव बैठ के तुम्हें दवा दब ट्रेड करवा रहा हूँ फालतू की ट्रेड, तुम्हें अपनी ट्रेड पोजिशन लगा के शेयर कर रहा हूँ, वो गलत है, उससे कुछ नहीं होना है, उससे मैं ही मेरा ही फायदा होगा, मैं ही कमाऊँगा, लेकिन तो आपको अभी ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे, अब मेरे पे डिपेंडेंट बने रहोगे, मैं दूंगा ट्रेड तभी तुम करोगे, नहीं दूंगा तुम फिर किसी और के पास पकड़ने चले जाओगे। तो आपके ही अंदर जब सीखने की ललक नहीं है, आप ही अगर सीखना नहीं चाहते, आपको कोई सीखने में इंटरेस्ट नहीं, आप धक्के खाए हुए हो बाजार में, आपने हाथ जला रखे हैं, आप बर्बाद इंसान हो बाजार में, तो आप किसी दूसरे को जो सीखना चाहता है उसका मेंटेलिटी ख़राब मत करने की कोशिश करो, वो सीख जाएगा, उसको गाइडेंस मिल जाएगा, उसको समझ जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सीख के प्रॉफिटेबल नहीं हो जाएगा, सीख के प्रॉफिटेबल हो जाता तो सभी कर ले, एक्सपीरियंस उसने लेना ही है, लेकिन आप जो बर्बाद हुए हो बेवकूफ़ों की तरह बाजार में वो नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब बनता है। तो मैं देख रहा था कमेंट्स में, मेरे को बहुत एकदम वो क्या है, मैंने कहा क्या लोग हैं यार, फाइनेंस कैटेगरी में साला तुम लाख लाख रुपए यहाँ ट्रेड में डाल दे रहे हो ऐसे ही बिना सोचे समझे, ऑप्शन बाएंगे अंदर 10-10-20-20 हज़ार ला रहे हो, जीरो करते हो, लेकिन जहाँ पे सीखने की बात आई वहाँ पे तुम सीखने के बजाय तुम ये कह रहे हो कि यार ये तो सिखा रहे फालतू, क्या कहें यार ऐसी, है ना, वहीं पर मगर तुम्हें कॉल टिप दे रहा होता ना ऐसे ही कह रहा होता आओ मेरे टेलीग्राम में तुम्हें अपनी ट्रेड दूंगा, पागलों की तरह लोग जी ना ऐसे लाल टपकाते हुए आते हैं, हाँ मिल जाएगा प्रॉफिट मिल जाएगा मज़ा आ जाएगा, अरे ऐसा कमा रहा मैं भी कहूँगा, और वही सबसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं मार्केट में, ऐसा कभी मत करना दोस्तों। मैं आपको हर एक चीज़ ब्लॉग के थ्रू जो रियलिटी होती है जैसा मैं फील करता हूँ जैसा मेरे को लगता है मैं आपको शेयर करता हूँ, है नहीं। तो अब आपके ऊपर चॉइस है, अब आपको मेरे व्यूज़ मेरे विचार कैसे लगते हैं, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं कमेंट करके जो भी बताना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।